हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट LIC की तरफ से आ रहा है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 का जो मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जो कि 28 जून 2019 को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। तो LIC ने असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 के जो मेंस एग्जामिनेशन के का लेटर है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दी है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर का जो लिंक है वो LIC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट कर दिया है। अब आप इसके मेंस एग्जामिनेशन के जो कॉल लेटर है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के मेंस एग्जामिनेशन के कॉल लेटर को कैसे आप कंप्लीट फोन से ही डाउनलोड करेंगे, और फिर जो आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो मेन एग्जामिनेशन का एग्जाम कंडक्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, क्या उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आएंगी, कितने मार्क्स के आपकी सेक्शन रहेंगी और कितने टाइम आपको वहां पे दिया जाएगा आपके मेन एग्जामिनेशन को करने के लिए, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, और किस तरीके के क्वेश्चन आपके मेन एग्जामिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए पूछे जाएंगे, कंप्लीट जो ये जो प्रोसेस आपकी रहेगी, क्या कंफ्यूजन आपके दिमाग में, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता देता हूं उसके कॉल लेटर को आपने कैसे डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 के मेन एग्जामिनेशन के कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन यहां पर कर लेंगे। करियर वाली सेक्शन में आप डायरेक्टली आ जाएंगे, तो डायरेक्टली एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज यहां पे ओपन होके आ जाएगा। तो यहां पे जब आपके पास पेज ओपन होके आ जाएगा, उसके बाद यहां पे आपको असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर पे यहां पे आप क्लिक कर लेंगे। तो यहां पे क्लिक करने के बाद ये दिखा रहा है कि योर डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पेज। तो आप यहां पे गूगल के क्रोम ब्राउजर में ये सारी प्रोसेस यहां पे करेंगे। तो यहां से जैसे मैंने डेस्कटॉप साइट पे क्लिक किया, आप भी ऐसे ही डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं 11 जून 2019 से इसके जो एडमिट कार्ड है अभी अभी जो लिंक है इसका एक्टिवेट हो चुका है, और 28 जून 2019 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए। 28 जून 2019 को ही इसका जो एग्जाम आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। तो यहां पे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप यहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपनी डालेंगे। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था तब आपको वहां से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो आपको यहां पे डालना है, या फिर जो आपका प्रीलिम्स का रोल नंबर है वो आप यहां पे डाल के उसके बाद पासवर्ड अपना यहां पे डाल के जब आपने फॉर्म को फिलअप किया था तब आपको जो वहां से पासवर्ड रिसीव हुआ था वो आपको यहां पे डालना है। उसके बाद यहां पे सही से कैप्चा डाल के आप यहां पे कर देंगे लॉगिन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहां पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहां पे डिस्प्ले होके आ जाएगा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर। तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास जो आपका एडमिट कार्ड है वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपको वहां पे प्रिंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका जो एडमिट कार्ड है मेन एग्जामिनेशन का आपके फोन में एज अ PDF डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप मेल के थ्रू या फिर किसी भी प्रिंटर के थ्रू आप अपने कॉल लेटर को आउट कर सकते हैं, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी रहेगी कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वो भूल चुके हैं फिर भी वो कैसे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, तो आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपनी डालनी है मेल ID। तो मेल ID आप वही डालेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम अपनी मेल ID वहां पे दी थी, वही मेल ID आप यहां पे डालेंगे। तो मेल ID पे डालने के बाद आप यहां पे कर देंगे सबमिट। तो जब आप यहां पे सबमिट कर देते हैं तो आपकी मेल ID पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वहां पे आ जाएगा। तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लेके आपको यहां पे आना है, और यहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सही से डालेंगे। उसके बाद आप यहां पे कर देंगे लॉगिन। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहां पे लॉगिन कर देंगे आगे वाली प्रोसेस आपकी सेम रही जो मैंने आपको यहां पे बता दिया
कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल में आप उसको सेव रख सकते हैं और उसको फिर बाद में उसको प्रिंट आउट एज अ हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं। जब आप असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 का मेन एग्जामिनेशन देने के लिए जाएंगे तो जल्दी से अपना यहाँ से एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। 28 जून 2019 इसकी लास्ट डेट रहेगी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। आप लास्ट डेट का वेट ना करें क्योंकि उस टाइम अगर आप ये जो वेबसाइट अगर बिजी होगी तो आपको वहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम प्रॉब्लम आएगी तो आपको वहां पे परमिट नहीं किया जाएगा मेन एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो अभी से इसके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको यहां पे फोन से ही करके बता दिया। तो अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं जो आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रहेगी, कितने मार्क्स की रहेगी, कितना टाइम आपको वहां पे दिया जाएगा एग्जाम को करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए आपके जो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रहेंगे वो सेपरेटली यहां पे रहेंगी। जर्नलिस्ट के लिए असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो मेन एग्जामिनेशन है वो यहां पे डिफरेंट रहेगा। ऐसे ही आप यहां पे आईटी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्चुअरियल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लिए आपका डिफरेंट रहेगा मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न। ऐसे ही आप यहाँ पे राजभाषा देख सकते हैं, इसमें भी आपका डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपका मेन एग्जामिनेशन जर्नलिस्ट के लिए रहेगा उसका पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपके यहाँ पे चार सेक्शन रहेंगी। सेक्शन वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनिंग एबिलिटी में आपके टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 90 रहेंगे रीजनिंग एबिलिटी के अंडर, यानी कि पर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड नंबर पर आपकी जो यहाँ पे सेक्शन रहेगी वो आपकी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं 30 आपके यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पे 60 मार्क्स रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका दो नंबर का यहाँ पे रहेगा सेकंड सेक्शन के अंडर। सिमिलरली आप यहाँ पे डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन में देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। चौथी सेक्शन आपके यहाँ पे रहेगी इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, तो इसके अंडर भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे आपके 60 रहेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जर्नलिस्ट के अंडर 120 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके जो यहाँ पे रहेंगे मेन एग्जामिनेशन जर्नलिस्ट के अंडर वो आपके 300 मार्क्स जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम आपका ये जो रीजनिंग एबिलिटी और सारी सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे। आप वहाँ पे किसी भी लैंग्वेज से समझ के वहाँ पे अपना जो आंसर है वो वहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं अपने मेन एग्जामिनेशन में एससी एसटी के लिए, वो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन्होंने 40 रखे हैं एससी एसटी के लिए। सेक्शन वाइज आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स 90 में से आपको 40 मार्क्स, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 40 मार्क्स लाने ही लाने हैं इस सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए। अदर्स में आप देख सकते हैं 90 में से 45 यानी कि जो जर्नल वाले हैं ओबीसी वाले हैं वो अदर्स में यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कम से कम 45 मार्क्स जो है वो लेने ही लेने हैं रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन के अंडर। ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज देख सकते हैं मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए, उसी हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे आप सेक्शन वाइज मार्क्स भी देख सकते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन भी देख सकते हैं कितना टाइम आपको पर सेक्शन दिया जाएगा, और टोटल टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाली चार सेक्शनों के लिए आपको 2 hours दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद फिफ्थ सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज के आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 25 रहेंगे, मीडियम ऑफ एग्जाम आपका सिर्फ और सिर्फ ये इंग्लिश में ही रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका ये टेस्ट रहेगा इंग्लिश का। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है इंग्लिश के मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आप यहां पे देख सकते हैं 25 में से 9 मार्क्स एससी एसटी को लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, अदर्स को यहां पे 10 मार्क्स लाने हैं 25 में से क्वालिफाई करने के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को करने के लिए आपको 30 मिनट्स जो है वो यहाँ पे दिए जाएंगे। टोटल आपका मेन एग्जामिनेशन अब बन जाता है 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे कंप्लीट मेन एग्जामिनेशन को करने के लिए। तो टोटल सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 सेक्शन आपकी काउंट होंगी
फाइनल मेरिट के लिए फिफ्थ सेक्शन आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करनी है, ये सेक्शन आपकी काउंट नहीं होगी। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं जो आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईटी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक्चुअरियल के लिए रहेगा, इसमें भी आप जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स यहां पे देख सकते हो और मिनिमम आपको कितने चाहिए वो भी आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे भी जो आपके फिफ्थ सेक्शन रहेगी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगी, इसमें आपने कोई भी मार्क्स जो है वो आपके नहीं काउंट होंगे, ये आपको क्वालिफाई करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है। सिमिलरली जो यहां पे राजभाषा के अंडर आपका रहेगा मेन एग्जामिनेशन का फॉर्मेट, इसमें भी आप देख सकते हैं नॉलेज ऑफ लैंग्वेज जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप, ये भी आपका यहां पे टेस्ट होगा, लेकिन यहां पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपका ये जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज है वो यहां पे रहेगा, ये भी आपको यहां पे क्वालिफाई करना है, इसके भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ेंगे। तो तीनों यू यहां पे मैंने आपको पोस्ट बताई, इनका टाइम आपको सेम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपको ये जो एग्जाम है मेन एग्जामिनेशन ये आपको करना है। और ध्यान दें कि आपको यहां पे टाइम से पहले, यानी कि इन्होंने क्लियरली यहां पे लिखा हुआ है आपको यहां पे 3 घंटे 30 मिनट पहले यहां पे पहुंचना है, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 घंटा आपको पहले पहुंचना है, ताकि जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा वहां पे आप कंप्यूटर माउस अच्छे तरीके से देख लें कि आपके हिसाब से वो कंपैटिबल रहेंगे वहां पे, किस हिसाब से आप वहां पे आंसर देंगे, माउस ठीक से काम कर रहा है, वो चीजें सारी आपको वहां पे चेक करनी है। तो फ्रेंड्स ध्यान देखिए यहां पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया मिनिमम सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और जो इनका एग्रीगेट बनेगा उसमें भी आपने फॉल होना चाहिए, जो भी इनका कट ऑफ डिसाइड होगा ईच सेक्शन में जो मैं आपने आपको मिनिमम मार्क्स आपको बता दिए वो आपको लेने ही लेने हैं इसको पास करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि सपोज करो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के अंडर आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करते लेकिन जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर के अंडर आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो ओवरऑल आपका एग्रीगेट में आप पास हो जाते हैं, लेकिन नहीं यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे मिनिमम सेक्शन वाइज यहाँ पे मिनिमम जो मार्क्स रहेंगे वो आपको लेने ही लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और एग्रीगेट मार्क्स भी आपको जो यहाँ पे रखा जाएगा कट ऑफ उसमें आपको फॉल करना ही करना है। फिर नेक्स्ट आपकी जो स्टेज रहेगी उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स के दिमाग में यहां पे नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग कंफ्यूजन है तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं There will be no penalty for wrong answer marked by you। यहाँ पे आपकी कोई भी negative marking जो है वो नहीं रहेगी Assistant Administrative Officer 2019 के लिए, जो आपका main examination 28 जून 2019 को कंडक्ट होगा, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस कंफ्यूजन को आप अपने दिमाग से अभी से निकाल दें। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट रहेगा मेन एग्जामिनेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 के लिए। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट वाइज मैंने आपको ऊपर बता दिया, टाइम भी बता दिया, कितना टाइम आपको मिलेगा सेक्शन वाइज वो भी बता दिया। सेक्शन वाइज आपको कोई भी ब्रेक नहीं दी जाएगी, सब्सिक्वेंट आपका जो टेस्ट है वो चलेगा, एक स्टेज खत्म कर देते हैं उसके बाद ब्रेक आपको नहीं मिलेगी, टोटल आपको 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे मेन एग्जामिनेशन को करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं जो आपके सैंपल क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको जो क्वेश्चन है वो आपके मेन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन सबसे पहले सेक्शन आपके रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे आ जाती है, तो यहां से आप क्वेश्चन देख के जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, इससे डिफरेंट रहेंगे, लेकिन फॉर्मेट जो आपका यहाँ पे इस सेक्शन वाइज रहेगा जैसे रीजनिंग एबिलिटी वाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा यही फॉर्मेट आपका जो मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसमें भी सेम जो है वो रहेगा। तो पेपर देने से पहले यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। सेक्शन वाइज यहाँ पे इन्होंने दे दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग इन द ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, इसका यहाँ पे 1956 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये सारे आपको यहाँ पे जो बेसिक से क्वेश्चन है ये आपको खुद भी निकाल के यहाँ पे जाने हैं, मे बी यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मे बी कोई रिपीट हो जाए, तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से ध्यान दें इस चीज को, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे भी जा सकते हैं या फिर इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे फॉर्मेट आपका यही रहेगा। सेक्शन वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में भी
देंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सैंपल क्वेश्चन रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज, आप यहां पे अच्छे तरीके से देख लें और इसका जो लेआउट है वो आप यहां से सक्सेसफुली डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं आपको कहां से ये लेआउट मिलेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं डाउनलोड इंफॉर्मेशन हैंड आउट, हिंदी या इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वहां से देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जो आपका मेन एग्जामिनेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 का 28 जून 2019 को कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 के जो एडमिट कार्ड डिक्लेयर हुए हैं मेन एग्जामिनेशन के, उसको कैसे फोन से ही डाउनलोड करना है कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है। और मेन एग्जामिनेशन में आपकी कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन रहेंगी, कितने मार्क्स रहेंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी और किस तरीके के सैंपल क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं वो मैंने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया। फिर भी अगर आपको यहाँ पे कॉल लेटर को डाउनलोड करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है फोन से तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको विद इन सेकंड्स में वहां पे रिप्लाई करूंगा। और अगर आपसे वहां पे डाउनलोड नहीं हो रहा है कॉल लेटर तो मैं आपको वहां पे कॉल लेटर को डाउनलोड करके दे दूंगा और डायरेक्टली आपकी मेल पे सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग भी कोई कंफ्यूजन है जो आपका मेन एग्जामिनेशन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 2019 का रहेगा तो भी आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।